भाई ये क्या हो गया, देखो भाई पूरा लग गया ये, देखो यार बहुत मेरा मन दुखे यार, मुझे रोना आ रहा है। सच में गाड़ी चलाना ठीक से नहीं सीखा हूँ अभी तक। गाइज ब्रेकफास्ट में ना मैं ये दही चूड़ा खा रहा हूँ, और ये सोनू देखो इधर सोया है। अरे इधर सोनू, सुसु किया क्या? सुसु किया क्या उधर? नहीं ना, पानी ना। गाइज ये खा लेता हूँ और मैं सोच रहा हूँ किधर निकलूंगा खा के, और मैं जाऊंगा मार्केट, बहुत धूप है। गाइज ये देखो ये बाहर में कितना धूप है, और मैं ये गेट खोला अभी गाड़ी निकालूंगा, ये गाड़ी भी पूरा धूल हो जाता है, एक दिन में धूल हो जाता है। गाइज इतना गर्मी हो रहा है कि अंदर में भी ना बहुत ज्यादा गर्मी है यार। उफ भाई क्या गर्मी है यार, मैं क्या बोलूं, मतलब इतना गर्मी हो रहा है अंदर, मतलब यहाँ पे बैठना भी मतलब मुश्किल हो रहा है। बाहर में इतना धूप है फिर भी कम लग रहा है, लेकिन गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा धूप रहता है। ओके पहले इसको ना मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ये वाला जो है ना ये एक्सप्रेस कूलिंग है, ये देखो ये खुल गया। ओह अभी क्या पार्किंग मोड में है, अभी न्यूट्रल करूँगा मैं, न्यूट्रल हो गया, ड्राइव करूँगा तो आगे चलेगा। रिवर्स कर देता हूँ क्योंकि बैक साइड करके मैं ऐसे गाड़ी खोलूँगा, ये बैक करके मैं गाड़ी खोलूँगा, तो ये देखो ये सामने भी दिखा गया है, इसको भी देख के मैं पीछे बैक करता हूँ। गाइज ये अभी हम रास्ते में आ गए, सीधा चल रहे हैं, अभी पूरा रैली चल रहा है, अभी बहुत सारे लोग अभी क्रॉस किए मुझे, तो मैं सोचा कि थोड़ा दिखाऊं। देखो रैली से कितना लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग गए थे अभी रैली के लिए, मुझे अभी खड़ा होना पड़ेगा ये, क्योंकि रोड पूरा जाम है भाई, इतने सारे लोग है देखो आ रहे हैं। गाइज ये जो है ना ये नीलगिर मार्केट है, और आज मार्केट का डे है, मतलब आज देखो बहुत सारे दुकान बैठे हैं। ये नीलगिर मार्केट है, सोच रहे हैं कि आगे थोड़ा जाए, और रेलवे स्टेशन एक है आपको भी दिखाएंगे थोड़ा, वो रेलवे स्टेशन नया बन रहा था जो हमारे एरिया में, उसको भी थोड़ा दिखाएंगे। और ये है हमारे एरिया का जो नया स्टेशन है, यहाँ पे बना है, और इसके अंदर अभी जाएंगे। ये लोकेशन देखो, ये जो माउंटेन है पीछे के साइड में मस्त दिखता है। एक्चुअली क्या अभी क्या ना ये रूट में जो एक ही ट्रेन चल रहा है, तो बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, ट्रेन से उतरते हैं और ये माउंटेन के पास जाते हैं घूम घाम के, फिर आ जाते हैं, तो मैं वही दिखाता हूँ। ये गोपीनाथपुर नीलगिर रेलवे स्टेशन लिखा गया है, और ये एरिया भी मस्त हुआ यार, ये माउंटेन देखो मस्त दिख रहा है एक्चुअली। तो ये सीधा हम आगे की तरफ चलते हैं, देखो ये आगे का नज़ारा देखो मस्त दिख रहा है ना, और ये पूरा हम लोग की ये स्टेशन जो नया बना है ये वाला ट्रेन से आके, और ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है ना वहाँ पे घूम घाम के फिर जाते हैं, और ये एरिया भी मस्त दिख रहा है, घूमने के लिए भी सही है, देख रहे हो ये अभी काम चल रहा है और ऐसा कुछ सीन है, और ये पूरा मस्त बना गया है ये एरिया। फिलहाल इतना लोग तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी रेलवे का ट्रैक जो है देखो यहाँ तक मेरे गांव तक आ गया, मस्त एरिया है एक्चुअली यार, मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। गाइस ये पहाड़ के पास हम पहुँच गए, उसी रास्ते में जा रहे हैं, देखो ये रास्ता थोड़ा छोटा है, गाड़ी चलेगा कि नहीं? हाँ चल जाएगा लग रहा है मुझे, देखो सामने का लोकेशन भी मस्त है, इधर मैं गाड़ी देख रहा हूँ कि कैसे चल के जाएगा। आगे आगे काटो, आगे आगे भाई, ये देखो रास्ता कैसा है, उस साइड से एक्चुअली मैं आया, और ये देखो ये लोकेशन कैसा नज़ारा है लोकेशन का, पहाड़ है देखो। मैं इधर गाड़ी रख के ना आपको दिखाता हूँ। गाइज ये देखो मैं इधर ये मेरा गाड़ी खड़ा करके ये आपको दिखा रहा हूँ, इतना धूप हो रहा है कि मैं क्या दिखाऊँ, लेकिन ये देखो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, ऊपर तक भी जा सकते हैं हम, एक दिन जाके आपको ज़रूर दिखाऊँगा, लेकिन लोकेशन सही है देखो। गाइज मैं अभी क्या ना घर रिटर्न कर गया, क्योंकि मेरे को थोड़ा काम आया घर से, कुछ मेरे मम्मी का कुछ काम था स्कूल रिलेटेड काम, तो इसलिए मैंने फिर घर आ गया, घूमने गया था लेकिन घूम नहीं पाया। तो ये मेरा सामने जो घर है मेरा ही है, दिख रहा होगा वाइट वाला। सोच रहा हूँ घर में जो काम है उसको ख़त्म करके आज किधर घूमने जाऊँ,
एक दोस्त है मुझे बुला रहा है, लेकिन ये क्या ना बहुत दूर है, दूर मतलब कितना अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर लग जाएगा, और मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ कि नहीं। बहुत बार बुलाया भाई, दिकेश तेरे बारे में ही बोल रहा हूँ मैं, तो देखता हूँ अगर मैं जाऊँगा तो आपसे मिलाऊंगा, अगर नहीं जा पाया तो नहीं मिला पाऊंगा। भाई गेट में लग गया भाई, ये क्या हो गया देखो भाई, पूरा लग गया ये देखो यार, यहाँ पे लग गया, यहाँ पे गाड़ियां भी डाल रहा था अंदर की तरफ, तो ये देखो ये वाला ये पूरा खींच गया, इसका निकल गया पूरा। गाड़ी को मैं ये साइड से घुमा रहा था, ऐसे मैं इधर से आया और ये पूरा घुमा के ये अंदर घुसा रहा था, और यहाँ पे पूरा खींच गया भाई, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, मैं क्या बोलूँ, मेरा मन पूरा खराब हो गया यार, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, कलर भी इधर छूट गया और ये अंदर भी थोड़ा घुस गया, ये थोड़ा अंदर है देखो, अंदर भी चला गया और ये तो पूरा घिस गया भाई अंदर से, बहुत मेरा मन दुखे यार, मुझे रोना आ रहा है। ओह कैसे हो गया यार, मुझे मालूम नहीं चला कि कैसे हो गया ये, आ रहा था मेरे डैडी बुला रहे थे मतलब आगे खोल के, ओ गॉड बहुत बुरा हुआ यार, बहुत ज्यादा बुरा हुआ मेरे साथ आज, गॉड यार बहुत ही गंदा दिख रहा है पूरा, वो ड्राइवर साइड भी हुआ है, इतना खराब दिख रहा है कि मैं क्या बोलूँ, ये देखो पूरा साइड से, और मैं ड्राइवर साइड में बैठ के ऐसे कैसे कर पाया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मैं सच में गाड़ी चलाना ठीक से नहीं सीखा हूँ अभी तक, तो बहुत ही खराब लग रहा है, मैं ड्राइवर के साइड में हुआ यार, मतलब कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा यार कैसे हो गया। गाइस अभी मैं खाने के लिए बैठा हूँ और मेरा मन तो बहुत ज़्यादा दुख है कि मुझे खाने के लिए मन नहीं हो रहा है, लेकिन ये मैं खा रहा हूँ पखाल खा रहा हूँ, और ये थोड़ा पकोड़ा वकोड़ा है, थोड़ा मिक्सचर लगा के खा रहा हूँ। हे गाइस वेरी गुड इवनिंग, अभी क्या ना मैं एक्चुअली जिम के तरफ जा रहा हूँ, मतलब इंडोर जा रहा हूँ, उससे पहले थोड़ा मार्केट जाऊँगा, फिर मार्केट से इंडोर जाऊँगा, तो गाइज फिर चलते हैं। गाइज देखो शाम भी हो गया है, मतलब इवनिंग जस्ट होने वाला है, और ये व्यू देखो मस्त है पूरा व्यू। गाइज सामने जो फ्रूट्स दुकान है ना, वहां से मैंने ये बनाना लिया और एक एप्पल लिया, वर्कआउट के बाद थोड़ा बहुत खा लेंगे, और एक बनाना तो मैं खाऊंगा, खा के वर्कआउट करूंगा। गाइज ये देखो मैं इंडोर पहुंच गया, ये कुल्लू भाई है, हेलो कुल्लू भाई, आज जिम करेंगे कि नहीं? आप पहले बैडमिंटन खेलेंगे, इसके बाद जिम करेंगे ना, कल फिर पिकनिक, पिकनिक जाएंगे, पिकनिक मतलब नहाने के लिए, नहाने के लिए स्विमिंग पूल है उधर, हाँ। और खाने के लिए भी अच्छा अच्छा चीज है, खाना ही मिलता है क्या? हाँ, बहुत अच्छा खाना, कम प्राइस, कम प्राइस कम में मिलता है खाना, खा के दिखाएं। ये मंटू भाई है, हेलो मंटू भाई, ये क्या बिस्किट? नमकीन, नमकीन बिस्किट मेरा फेवरेट। ये गुड डे गाइस, अभी देखो ये जिम सब कर रहे हैं और मेरा खत्म हो गया है, मैं अभी निकल रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ भाई। गाइस अभी मैं जिम से निकल रहा हूँ, ये ऑन करने का स्विच है, ब्रेक दबा के करना होता है, स्टार्ट हो गया, मस्त आ गया ऐसा, और ये न्यूट्रल करेंगे, न्यूट्रल हो गया, बी से ड्राइव करेंगे तो आगे जाएगा, तो आर करेंगे तो पीछे जाएगा, ये पीछे दिखा रहा है। सोनू बनाना खाएगा कैसे? ये दोनों खड़े हैं मेरे मम्मी के पास, आलू और टमाटो का फ्राई, आटा से हम लोग वो पीठा बनाएंगे, हाँ पानकेक जैसा, पानकेक के आटा से होता है, हाँ ओके, पानकेक मुझे पता नहीं था, ओके मतलब ये देसी पानकेक, पानकेक ना, गाइस डिनर खा लेते हैं, मन तो नहीं हो रहा था खाने के लिए, लेकिन क्या करें खाना तो पड़ेगा, ये थोड़ा बहुत जल गया है, आज एक्चुअली भेज है, भेज खा लेते हैं और जल्दी से खा के थोड़ा सो जाऊंगा, अच्छा नहीं लग रहा है, और एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं ना, मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा है खाने के लिए। गाइस इसी के साथ ये ब्लॉग खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय, एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।